हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात कर रहे हैं मूली के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूली जो है वो एक प्रमुख सब्जी फसल है, साथ ही साथ मूली का उपयोग जो है हम प्रमुखता से सलाद के रूप में करते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मूली का जो वानस्पतिक नाम है वो होता है रेफेनस सैटाइवस, और इसका जो कुल है वो है ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी। सरसों कुल का ये पादप है। शुरू में जब पादप छोटा होता है तो सरसों के पादप से ही मिलता जुलता जो है वो दिखाई देता है। यूजफुल पार्ट की अगर बात की जाए तो हम इस बात को जानते हैं सभी कि मूली के अंदर जो खाने योग्य भाग होता है वो स्टोरेज रूट अर्थात संचयी मूल होता है, क्योंकि इसके जो मूल है उसमें खाद्य पदार्थ का संचय हो जाता है, जिसके कारण वह स्वाद में अच्छी लगती है और खाने के काम में आती है। तो इसलिए मूली का जो यूजफुल पार्ट है वो है स्टोरेज रूट, या और भी कहें तो जो मूसला जड़ है वो जो है इसका खाने योग्य भाग है। मूली की उत्पत्ति की बात करें तो मूली की उत्पत्ति जो है वैज्ञानिक अलग अलग जगह से मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक जो है वो एशिया से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, तो कुछ जो है वो यूरोप से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। कह सकते हैं कि इसके संबंध में दो अवधारणाएँ दी गई हैं, एशिया उत्पत्ति की और यूरोप उत्पत्ति की। बैंथम जो है वो मूली की उत्पत्ति यूरोपियन मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसका जो जंगली पादप है रेफेनस रेफिनिस्ट्रम वो इससे मिलता जुलता जो पादप है वो वहाँ पर पाया जाता है। तो इसीलिए जो बैंथम हैं उन्होंने इसकी उत्पत्ति रेफेनस रेफिनिस्ट्रम यूरोपियन जो पादप है उससे मानते हैं। हालांकि एशिया में जो है कोई भी जंगली पादप जो मूली से समानता रखता हो नहीं पाया जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि मूली का जो विकास है अगर एशिया में हुआ है तो वो किसी चीनी जंगली पादप से हुआ होगा जो कि शायद अब विलुप्त हो गया है। तो उत्पत्ति के संदर्भ में यही है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो एशिया अथवा यूरोप से हुई है। प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें तो विश्व में जो है चीन, जापान, कोरिया इसके मुख्य उत्पादक देश हैं, और भारत में जो है अगर बात की जाए तो लगभग सभी राज्यों में जो है मूली का उत्पादन अलग अलग समय पर किया जाता है। वैसे जो मूली है वो शीत ऋतु की फसल है, लेकिन अलग अलग भागों में से अलग अलग समय पर भी बोया जाता है। अब बात कर लेते हैं मूली के वानस्पतिक लक्षणों की कि पादप में कौन कौन से जो है वानस्पतिक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मूली का पादप होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मूली का जो पादप है वो इस तरीके से होता है, शाकीय पादप है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो पादप का तना होता है वो अत्यंत हाशित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता सकते हैं। देखिए आप इस पादप में ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये इसका तना है जो कि एक डिस्क के नुमा रह गया है। ये देखिए आप, ये डिस्क नुमा जो है तना हाशित हो गया है, और ये जो हमें इसका मोस्टली जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है इसका जड़ है या रूट जिसको हम कहते हैं, और ये जड़ जो है वो फूल करके इसमें मोटी हो जाती है। यह जो है वो मूसला जड़ होती है, और मूसला जड़ से ही सहायक जड़ें जो निकलती हैं जिनको हम सेकेंड रूट्स भी कह सकते हैं। तो इस मूली से जो है वो सेकेंड रूट निकलती हैं। तने के बाद अगर हम बात करें पत्तियों की तो आप पत्तियों को देखें तो पत्तियां जो हैं इसकी वो तने के शीर्ष पर लगी रहती हैं, और मुकुट के समान जो है ये लगी रहती हैं, जिसको रोजेट भी हम कह सकते हैं कि रोजेट समान जो है ये पर्ण लगी रहती हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो पर्ण का रोजेट है वो लगा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसकी पत्तियाँ जो हैं वो चूँकि मूल से निकली दिखाई दे रही है इसलिए इनको मूलज कहते हैं। ये पत्तियाँ जो होती हैं वो सभी सिंपल होती हैं, सरल पत्तियाँ होती हैं, और साथ ही साथ वीणा आकार की जो है ये पाई जाती हैं, जिस तरीके से हमको सरसों में देखने को मिलती हैं वीणा आकार पर्ण जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ जो पर्ण होती हैं वो आकार में बड़ी होती हैं। पर्ण भी जो है वो मूली की खाने के काम में ली जाती हैं, सब्जी बनाने के काम में ली जाती हैं। पादप में अगर पुष्प की बात की जाए तो पुष्प जो है वो बड़े होते हैं, सफ़ेद या पीले रंग के पाए जाते हैं, और जो कि सरसों की तरह ही असी माक्ष पुष्प क्रम में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये उसी कुल का पादप है तो वो असीमाक्षी पुष्पक्रम जो है उसमें पाया जाएगा। फल जो है इसमें सिलिकुआ पाया जाता है।
साथ ही साथ अगर हम जड़ की एक बार पुनः बात करें तो आप जड़ को देख सकते हैं कि इसकी जो जड़ होती है वो तुर्करूपी होती है। तुर्करूपी का मतलब ये है कि इसकी जो आकृति है वो तुर्करूपी होती है। ये देख सकते हैं कि आप जो आधार से जो है जड़ वो मोटी होगी और इसके जो है क्रमशः ये नीचे की ओर जो है सकरी होती चली जाएगी, जिसके कारण इसकी तुर्करूपी आकृति बनती है। आप जो है इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मूली है उसका आकार होता है। तुर्करूपी जड़ पाई जाती है जो कि अंतिम सिरे पर पतली होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका जो अंतिम सिरा होता है वो पतला होता है और इसी भाग से जो है वो सेकेंडरी रूट निकलती हैं। मूली में जो हम जब खाते हैं तो देखते हैं कि तीखा स्वाद जो है इसका आता है, थोड़ा चरपरा, तो वो जो है वो आइसोथायोसाइनेट की उपस्थिति के कारण होता है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ भी है कि मूली का जो तीखा स्वाद है वो आइसोथायोसाइनेट नामक ग्लाइकोसाइड के कारण होता है। साथ ही साथ मूली में जो है विटामिन पाए जाते हैं, ए और सी, और साथ ही साथ खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मूली की कृषि हम किस तरीके से करें, कल्टीवेशन किस तरीके से किया जाता है। मूली का कल्टीवेशन करने से पहले हमें जो है एक उचित किस्म का चुनाव भी करना पड़ता है, क्योंकि मूली जो है वो दोनों ही प्रकार की प्रजातियां मूली की पाई जाती हैं, एशियाई प्रकार की और यूरोपियन प्रकार की। तो हमें जिस तरीके से भी मूली लेनी है उस तरीके का जो है हम बीज सेलेक्ट करते हैं। कृषि के लिए जो है देख सकते हैं आप यहाँ पर जो आवश्यक कारक हैं, जो चीज़ें आवश्यक हैं वो देख सकते हैं कि आप सबसे पहले तो हम बात करें तो जलवायु की, तो शीत जलवायु को जो है पादप है मूली ठंडे ऋतु में होती है। हमारे यहाँ भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मूली जो है वो ठंडे मौसम में अर्थात सर्दियों के मौसम में सितंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक जो है वो मूली का एक तरीके कह सकते हैं मौसम रहता है। उस समय मूली जो है प्रमुखता से यहाँ खाई जाती है। तापमान आप देख सकते हैं कि 15 से 20 डिग्री से चाहिए, क्योंकि शीत ऋतु में होती है तो तापमान जो है वो कम चाहिए। मृदा की बात करें तो मृदा जो है इस फसल के लिए बलुई दोमट या सैंडी लोम जो मृदा है वो उपयुक्त रहती है, क्योंकि अगर मृदा दोमट होगी बलुई होगी तो उसमें जो मूली की जड़ है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाती है और फूल पाती है। तो जो मूली की जो क्वालिटी है वो अच्छी बनेगी बलुई दोमट मृदा में। वर्षा की बात करें तो 100 से 225 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है, लेकिन जहां जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती उन क्षेत्रों में सिंचाई करके समय समय पर मूली जो है वो उसका उत्पादन किया जाता है। बुवाई का समय देखा जाए भारत के संदर्भ में, वैसे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग महीने में बुवाई होती है, लेकिन चूँकि सर्दी की फसल है इसलिए अगस्त से नवम्बर के महीने में जो है इसकी बुवाई की जाती है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है वो देख लेते हैं हम कि बुवाई के लिए सबसे पहले तो जो है मूली के खेत को तैयार कर लिया जाता है, जिसके लिए जोत लगा करके और उसको समतल कर लिया जाएगा। इसके पश्चात जो खेत तैयार है उसमें डोले बनाए जाएंगे, क्योंकि जो मूली की क्वालिटी है मोटाई जो है वो डोलों पर बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए जो है डोले बनाकर इसको लगाया जाता है। तो खेत में जो है लाइन से जो है मेड़ बनाई जाती है और इन मेड़ों के बीच की दूरी रखी जाती है 40 से 50 सेंटीमीटर। तो इन डोलों या उभार या जो मेड़ बनाते हैं इन पर जो है बीजों को बोया जाता है। पौधों के मध्य की दूरी रखी जाती है 10 से 12 सेंटीमीटर, अर्थात जो दो हम मूली के पादप लगा रहे हैं उनके बीच में 10 से 12 मीटर की दूरी रखते हैं, क्योंकि पत्तियाँ जो हैं वो चौड़ाई में थोड़ी फैल जाती हैं, इसलिए पादप के बीच में दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगर नज़दीक लगाते हैं तो मूली की जो है मोटाई वो कम रह जाती है। साथ ही साथ जैसा कि बताया आपको कि जो खेत में जो डोले हमने तैयार किए हैं उनके बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो इस प्रकार जो है खेत में क्रमवार जो है ये डोले बना करके लाइन से जो है ये मूली के जो बीज हैं वो लगाए जाते हैं। समय समय पर इस फसल में जो है सिंचाई की जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है, सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। लगभग 40 से 50 दिनों में या कह सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने में जो मूली है वो परिपक्व हो जाती है और जो जड़ें हैं वो बाहर से ही दिखाई देने लगती हैं मूली की। जैसा कि आपको पहले भी दिखाया कि इस तरीके से जो है ज़मीन से थोड़ी सी बाहर निकली हुई परिपक्व मूली की जड़ें दिख जाएंगी हमें, तो
इन्हें जो है उस दौरान ज़मीन से उखाड़ लिया जाएगा और साथ ही साथ मिट्टी को हटा करके धो करके जो है मूली को मार्केट के लिए बेच दिया जाता है और ये खाने योग्य होती है। तो इस तरीके से जो है इसकी कृषि कार्य किया जाता है। साथ ही साथ इस मूली की जो है पत्तियां जो होती हैं वो भी काम में आती हैं, तो इनको पत्तियों सहित ही मार्केट के लिए भेजा जाता है। अब बात कर लेते हैं मूली की उन्नत किस्मों की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मूली की जो है बहुत सारी उन्नत किस्में हैं, जिनमें से प्रमुख जो उन्नत किस्में हैं वो इस तरीके से हैं: जापानी सफ़ेद, पूसा चेतकी, पूसा हिमानी, पंजाब पसंद, पंजाब सफ़ेद मूली 2, पूसा देसी, पूसा रेशमी, अरका निशांत, वाइट टिप्पण। ये सभी जो है वो मूली की उन्नत किस्में हैं, जिन्हें हम हमारे क्षेत्र के हिसाब से और मौसम के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे मूली के उपयोग क्या हैं। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि मूली जो है वो सलाद, सब्जी, अचार के रूप में प्रमुखता से खाई जाती है। मूली को हम सभी जानते हैं कच्चा खाया जाता है सलाद के रूप में, साथ ही साथ मूली की सब्जी बनाई जाती है और सब्जी में पत्तियों और जड़ दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ मूली का जो है वो अचार भी डाला जाता है। तो प्रमुखता से जो है वो खाने के काम में इसकी जड़ जो है वो आती है। पत्तियों का जो रस है वो मूत्रवर्धक होता है और रेचक होता है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है ये, और इसको डायूरेटिक और लैक्सेटिव की तरह जो है काम में लिया जाता है। साथ ही साथ इसकी पत्तियों को और कई बार जो है संपूर्ण पादप को पशु आहार के रूप में भी काम में लिया जाता है। मूली के बीजों से तेल प्राप्त होता है जो कि साबुन उद्योग में प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से ये जो है वो थे मूली के उपयोग। ये जो है यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें हमने मूली के जो पादप के बोटनिकल कल्चर बताए थे, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है वो लीव्स लगी हुई हैं, ये रूट स्टेम था इसका, और ये जो है हमारा काम का पार्ट है फ्लैसी फ्यूजीफॉर्म रूट अर्थात मासल तुर्कुरूपी जड़। ये जो जड़ है ये पूरा जो है खाने योग्य भाग होता है और साथ ही साथ इस जड़ से कई सारी जो है फाइब्रस सेकेंडरी रूट निकल रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा एक टॉपिक मूली, जिसमें हमने मूली ये एक डायग्राम हमने और लिया है जिसमें बता रखा है कि मूली खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसको कि मूली का रस जो है वो दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, हाई ब्लड प्रेशर को शांत करने में मदद करती है, साथ ही साथ इससे मोटापा कम हो जाता है। तो ये जो है देख सकते हैं कि मूली जो है खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और एक प्रमुख सब्जी और सलाद की फसल है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।